दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें आईपीएल 2024 का बहुत ज्यादा दौर है। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच इस सीजन का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। यह मैच चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। यह पंजाब टीम का नया घरेलू मैदान है जिस पर टीम खेलने उतरेंगी। इससे पहले मोहाली पंजाब टीम का होम ग्राउंड था। इस मैच से दिल्ली के कैप्टन ऋषभ पंत तकरीबन 15 महीने बाद मैदान में वापसी कर रहे हैं, जिनको देखने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बेताब हो रहे हैं। आईपीएल 2024 के पहले मैच में जीता चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। इसके जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली टीम ने 8 गेंदों के शेष रहते हुए 6 विकेट से यह मैच जीत लिया। आईपीएल 2024 के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। सीएसके ने इस टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया है। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 173 रन बनाए। इसके जवाब में ऋतुराज गायकवाड़ के नेतृत्व वाली टीम ने 8 गेंदों के शेष रहते हुए 6 विकेट से यह मैच जीत लिया। कप्तान ने दिलाई अच्छी शुरुआत। आरसीबी द्वारा दिए गए 174 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई ने दमदार शुरुआत की। ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के बीच पहले विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी हुई, जिसे यश दयाल ने तोड़ा। कैप्टन इस मैच में 15 रन बनाने में कामयाब हुए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अजिंक्य रहाणे उतरे। दूसरे विकेट के लिए रहाणे और रचिन रविंद्र के बीच 33 रन की पार्टनरशिप हुई। न्यूजीलैंड के स्टार खिलाड़ी 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाने में कामयाब हुए। टीम को तीसरा झटका रहाणे के रूप में लगा, जो 27 रन बना सके। वहीं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए डेरिल मिचेल 2 छक्कों की मदद से 22 रन बनाने में कामयाब हुए। दोस्तों आगे क्या होता है, आगे की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।